Hello, students. How are you? I hope you all are fine at your home. In previous videos, as we have already read chapter number 7, My Dog and I. In this video, we will read chapter number 8. The chapter 8 is The Vulture. Listen to it very carefully. Okay, children? So let's start. Written by Hilary Billock. In this poem, the poet told us vulture. Vulture is the biggest bird. So let's start reading part. The vulture eats between his meals, and that's the reason why he very, very rarely feeds. Well, as you and I. His eye is dull, his head is bald, his neck is growing thinner. Oh, what a lesson for us all to only eat at dinner. Beta. इस पोयम में हम वल्चर के बारे में पढ़ेंगे वल्चर एक बहुत बड़ी बर्ड होती है जिसे हिंदी में गिद्ध कहते हैं ठीक है ठीके? और जो वल्चर है वो क्या है वो क्या करता है मील्स मील्स आपको पता है थ्री टाइप्स ऑफ मील्स होते हैं जैसे हम करते हैं ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर हम करते हैं बट वल्चर क्या करता है इन मील्स के बीच में भी वो कभी भी खाना खाते रहता है इसलिए वो हमारी तरह फील्स नहीं कर सकता हमारी तरह फीलिंग उसकी नहीं आ पाती क्यों क्योंकि वो बार बार खाना खाता रहता है और इन बार बार खाना खाने की वजह से उसकी जो आई है वो डल हो गई है डल मतलब एकदम बुझी हुई सी उसकी जो हेड है उस पर कोई हेयर नहीं है वो कैसा है गंजा है उसकी जो नेक है वो धीरे धीरे कैसी होती जा रही है पतली होती जा रही है एकदम थिनर होती जा रही है और इसी कारण हमारे लिए एक ये लेसन है कि हमें बार बार खाना नहीं खाना चाहिए हमें हमेशा मील्स के ही टाइम खाना खाना चाहिए जैसे हमें प्रॉपर ब्रेकफास्ट लेना चाहिए प्रॉपर लंच करना चाहिए और प्रॉपर डिनर लेना चाहिए और अगर ऐसा हम नहीं कर सकते तो फिर सिर्फ हमें डिनर ही लेना चाहिए ये हम सभी के लिए एक लेसन है ओके आई होप यू एंजॉय दिस पोयम ओके स्टूडेंट्स बाय हैव अ नाइस डे